धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह से सरकार ने रसूखा लगाने का फरमान जारी किया है, उसकी आग पूरे प्रदेश में भड़क गई है और भाजपा सभी जिलों में प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जांजगीर जिले के कचहरी चौक पर भी भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर कई आरोप लगाए। धर्मांतरण की खिलाफत करने वालों के खिलाफ और प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए रासुका जैसे काले कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगा रही है। इस मुद्दे को लेकर जांजगीर जिले के कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के संभागीय प्रभारी किरण देव ने कहा कि नए नए कानून लगाकर सरकार आम जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। जिस तरीके से काले कानूनों की भरमार कर दिया गया है, आप देखे होंगे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री हमारे मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में आपने कभी भी इस तरीके का कोई भी एक नहीं देखा होगा। भाई छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर विरोध तो आपका स्वाभाविक, आपका विरोध तो होना ही है। हम राजनीतिक में विपक्ष के तौर पर हम तो करेंगे ही करेंगे, और जब जनता करेगी तो क्या करेंगे आप? सबको रासुका में अंदर कर देंगे। रासुका जैसा ये इस तरीके से जो दुरुपयोग है कानून का, अगर इसका सही जीता जागता उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो छत्तीसगढ़ में ही आप देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार है पूरे देश में, अब ये तो दो ही जगह रह चुके हैं, तीसरा जगह अभी आए हैं राजस्थान, और इसमें आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इन कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर आपको इसी तरीके से मिलेगा। जनता की आवाज़ को दबाने का इनका एक ही उपाय है कि इनको कानून का डर दिखाया जाए, पुलिस का डर दिखाया जाए। इस तरीके से जनता के बीच में ये जनाधार खो चुके हैं, इनको मालूम है कि अगली बार इनकी सरकार नहीं आनी है। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश बघेल को आड़े हाथ लेते हुए चश्मा बदलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को राज्य में हो रहा धर्मांतरण नहीं दिख रहा है। नारायण चंदेल ने शासन और प्रशासन पर सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराने का आरोप भी लगाया है। सरकार को दूसरे नंबर का चश्मा लगाने की आवश्यकता है। सरकार ने ऐसा चश्मा लगा रखा है कि उसको भारत भी रूस दिखाई दे रहा है। इसलिए भूपेश बघेल जी से मेरा आग्रह है कि अपने चश्मा का नंबर बदल लें। दूसरी बात, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करके जो रासुका कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इस कानून का हम विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं, ये जो कानून लाया गया है ये काला कानून है। धर्मांतरण जो है वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, शासन और प्रशासन धर्मांतरण करा रही है, सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है। सिर्फ नारायणपुर, बस्तर, सरगुजा, अमरीकापुर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है। क्योंकि इस सरकार को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, जनता के मन में सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश और गुस्सा है। राज्य सरकार के खिलाफ अब बीजेपी आक्रामक रूप अपना रही है और चुनाव से पहले राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सड़क में सदन तक अपनी आवाज बुलंद कर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुट गई है। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।